कल हम लोग देख रहे थे कैसे भगवान भक्तों की कैसी रक्षा करते हैं। कष्ट आते हैं जीवन में, लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा कदम कदम से कर लेते हैं। हरिदास ठाकुर के ऊपर एक वैश्या भेजी गई रामचंद्र खान के द्वारा, लेकिन वैश्या उनका पतन नहीं कर पाए, वैश्या ही भक्त बन गए। और रामचंद्र खान ने जो भी भक्तों का अपराध करने का प्रयास किया तो उसका पतन हो गया, कोई गांव का नाश हो गया। भगवान भक्तों की रक्षा जरूर करेंगे, इसलिए भजन में आता है, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, तुम साथ हो जो मेरे इस जीव की कमी, तुम साथ हो जो मेरे मुझे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार नहीं
होंगे किसी और चीज की दरकार ही नहीं है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। मुझे नजर किया मैं जब बड़ा सुना, आते तो हम लोग देख रहे थे कैसे भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे थे। छोटे छोटे पांडव उनके साथ अत्याचार हो रहा है, राज्य के उत्तर अधिकारी है वो, लेकिन धृतराष्ट्र और कौरव लोग मिलकर उसे बैठना नहीं देना चाहते। उन्हें जंगल भेज दिया गया और वहां पर प्लांता उन्हें मारते देखा, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा कर सकते हैं उसको कोई मार सकता है? भगवान किसी की रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है? प्रहलाद को कितना प्रयास किया नहीं मार पाया, हरिदास ठाकुर को कितना प्रयास किया नहीं मार पाया। वैसे क्या पांडव लोग जो भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को याद करते हैं, उनका कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, अवश्य नहीं होगा। लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। पांडव को धृतराष्ट्र ने भेज दिया वर्णावर्त। वर्णावर्त में उन्हें ऐसे महल में रखा गया है जो पूरा लक्षाग्रह है, उसमें सब जगह घी इत्यादि के दीवार, थोड़ी सी अग्नि लग जाएगी पूरा घर जल जाएगा। क्या वो वापिस जा सकते हैं हस्तिनापुर? वहां पर भी नहीं जा सकते, नहीं तो वहां कौरव लोग प्रसन्न करेंगे, दुर्योधन प्रसन्न करेगा, वो तो हमने सब प्लान करा कैसे मार जाए लोग। क्या वो लोग झगड़ा कर सकते? झगड़ा भी नहीं कर सकते, राज्य की सेना उनके साथ है, कौरव के साथ, भीष्म पितामह द्रोण सब उनके साथ। क्या भाग सकते? भाग भी नहीं सकते, भागेंगे तो दुर्योधन मरवाएगा। सोचिए कितनी बड़ी विपत्ति आई है। इसीलिए कुंती महारानी भगवान को जब इन विपत्तियों को याद कर रही है तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। भागवत में प्रार्थना करें, भगवान ऐसी ऐसी महान आपदाएं आई केवल आपके कारण बच पाए। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 24 नंबर श्लोक में कुंती महारानी कृष्ण को देख के याद करें कैसे कृष्ण आपने आपकी कृपा से हम सभी संकट को पार कर गए। विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असभाया वनवास कृषित, असभाया वनवास कृषित, विधेरे देने महारथा सतो, विधेरे Hey, 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 hey,
विषान विष से बचा लिया भगवान ने, भीम को इतना विष पिलाया गया लेकिन भगवान ने उस विपत्ति को संपत्ति बना दिया। अभी हम देख रहे महाअग्नि में उनको डाल दिया गया, इतने बड़े लाक्षाग्रह में। ऐसी दुनिया में स्थिति आ जाती है, आदमी करे तो मरे, नहीं करे तो भी मरे। जीवन ऐसा बनाया जब लॉकडाउन होता है, आदमी बाहर निकलेगा तो मरेगा और नहीं निकलेगा तो घर घर में बैठ के मरेगा। ऐसे जीवन में विपत्ति आ जाती है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप विपत्ति भगवान को शरण लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी सभी विपत्तियां खत्म हो जाती है। अगर आप गोविंद जी का नाम लेते हैं, हे गोविंद हे गोपा अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपा अब तो जीवन हारे, से कुंती प्रार्थना करते भगवान आप ही रक्षा कर सकते। सोचिए पांच पांडव और बिचारी कुंती अकेली जंगलों में वो लोग जा रहे, ऐसे महल में रह रहे जहां पूरा अग्नि चारों तरफ अग्नि अग्नि है। भीम का तो खून खोल रहा था कि मेरे को बोलिए तो मार के भी एक दुर्योधन को मैं एकदम यही पर चटनी बना दू। लेकिन देखिए न मार के जीत सकते थे न भाग के जीत सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उनको ऋषि ने अच्छे से गाइडेंस दिया कि विदुर के द्वारा कि आप लोग अभी से सुरंग बनाना चालू कर दीजिए। और पुरोचन को इस प्रकार से वो लोग रह रहे थे कि पुरोचन को थोड़ा सा भी शक नहीं हो रहा था कि उनको पता है ने भिजवाया था आदमी तो वो लोग दिन भर घूमते थे बाजार में जंगलों में और जंगल से रास्ता पता कर रहे थे कैसे वर्णावत शहर से वो लोग निकल सकते किसी को बिना पता चले जंगली जंगल। तो उन्होंने एक रास्ता खोज लिया था। इधर विदुर जी ने एक आदमी को भेजा जो बहुत एक्सपर्ट था सुरंग खोदने। वो आया कि विदुर जी ने मुझे भेजा है सुरंग खोदने के लिए,
तो फिर युधिष्ठिर घबराए, कहीं एक दुर्योधन का कोई साजिश रचने वाला तो नहीं है। तो फिर वो, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं साजिश रचने वाला नहीं हूँ, मैं विदुर जी का उन्होंने संदेश सुनाया कि विदुर जी ने आपको मलेच्छ भाषा में समझाया था, तो फिर समझ गए कि आदमी विदुर जी का ही, इसमें दुर्योधन की कोई साजिश नहीं। तो फिर उसके बाद वो रोज घर के बीच से एक सुरंग खोदने लगे और उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते तख्ते रख दिए थे, ऊपर से कारपेट लगा दिया था कि किसी को पता। सोचिए कितना मुश्किल कार्य है कि आदमी घर के बगल में जो इंचार्ज है वो रह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि आप लोग भागने वाले सुरंग बनाई जाए, कितनी कम संभावना है। और अगर कभी भी आग लगा सकता है तो रात भर पांडव लोग, एक पांडव जगा रहता था, सतर्क रहता था कहीं आग लगी तो भागना है। और अभी और उससे पहले अगर आग लगा दे जब तक टनल खुदी रही है सुरंग तभी मर जाए। भगवान की दया से सुरंग जल्दी जल्दी खुद गई, उन्होंने जंगल में एक रास्ता भी खोज लिया भागने का। एक साल बीत गया और ऐसे ही धीरे धीरे पुरोजन को पता न चले, तो उसे पता चल जाएगा तो फिर वो किसी भी तरीके से इनको कहीं से मरवा देगा, और दुर्योधन को पता चल गया तो फिर तो कुछ ना कुछ करेगा प्रसाद। तो इन्हें भागना भी किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने सोचा कल हम लोग यहां से खुद ही आग लगा के निकल जाएंगे। दिल को बोला तो अगले दिन उन्होंने बहुत यज्ञ किया, ब्राह्मणों को कुछ दिन दान दिया, गरीबों को भी खिलाया पिलाया बहुत। अब वो लोग रात को आग लगाने लगे। उसी दिन क्या हुआ, सौभाग्यवश वहां पर एक जंगली औरत आ गई, उसके पांच लड़के थे, उन्होंने उनको पेट भर के खिलाया गया, उन्होंने मदिरा वदिरा पी लिया तो वहीं पर वो लेट गई। और भीम को पता नहीं था, उन्होंने आग लगाई और वो लोग नीचे से निकल गए। पुरोचन जब देखा सो गया, उसके रूम में जाके आग लगा दी, पूरे घर में आग लगा दी, वो निकल गए। और इधर पूरा हल्ला हो गया, वृंदावन में आग लग गई, सब लोग आने लगे, लेकिन इतनी बड़ी आग थी कौन बुझा सके। और ये लोग जंगल की तरफ से सुरंग से निकल गए और जंगल में चले। और इधर उनको सुबह जब हुई तो बारिश पानी में डाल के उसको खोजा गया। अब सोचिए अगर कुंती लोग भाग जाते और लाशें नहीं मिलती तो हो सकता है शंका रहती कि लाश कहां गई, सुरंग हो सकता है खोजा जा सकता था, तो थोड़ा सा हो सकता है दुर्योधन को मन में शंका रहती कहीं भाग लग गए लोग, जलने के बाद भी थोड़ी अस्तित्व तो बच जाती। लेकिन भगवान ने क्या किया, वहां पर एक जंगली औरत को भेजी पांच बच्चों के समान, जो एग्जैक्टली पांडवों के साइज के थे। तो सुबह जब अस्थि खोजी गई तो एक स्त्री का शरीर मिला और एक पांच पुरुष का शरीर मिला, पुरोचन का शरीर मिला। तो सबको लगा 100% कंफर्म कि फिर भगवान कितना अद्भुत करते। अब ये बात खबर फैल गई, लोग जो थे वो लोग गाली देने लगे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन उन लोग का ही प्लॉट है, वो लोग ऐसे बदमाशी करे, लेकिन कौन क्या करे। इधर धृतराष्ट्र मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा, अरे मेरे प्यारे पति जो मर गया, मेरा जीने का क्या फायदा। केवल विदुर जी रो रहे थे, उनको पता था क्या चल रहा है। देखिए भगवान ने कैसे पांडवों की रक्षा करी, वो लोग अब सुरंग से निकल गए। और इधर दुर्योधन अब परेशान करना बंद कर दिया, दुर्योधन ने सोचा अब तो मजा आ गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं छूटी, शकुनी मामा वाह क्या जीवन है, अब हम लोग आराम से निष्कंटक कोई हमारे रास्ते में काटा। अधर्म के जीवन आदमी ऐसा ही सोचता है, गलत करके जीत जाऊंगा, नहीं अभी पता चले। पांडव लोग चुपचाप अपना वन में रात को निकल के जाए, अब दुर्योधन ने इनको प्रसाद करना बंद कर दिया। भगवान की स्पेशल कृपा थी उनके ऊपर, भगवान हर कदम कदम पर भक्तों की रक्षा कर, पहले ही विष जब पिलाया गया तो रक्षा कर ली, और आज महाग्नि से ही भगवान ने रक्षा, इसलिए कुंती प्रार्थना करें विशाल महाग्नि विष जब दिया गया आपने बचा लिया, अभी रक्षित हमेशा आपने रक्षा की, महाअग्नि में भी आपने रक्षा करी, अब दुर्योधन को प्रसाद भी नहीं करना। इसलिए भजन में गाते हैं
मुझे हर कदम कदम तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने कर दे एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी पास है सब काम हो।
भगवान की कृपा से युधिष्ठिर की रक्षा हमेशा होती रही। इतनी बड़ी विसर्गनी से भी जिससे बचना असंभव था, मौत के मुंह के बंदर से बाहर भगवान का लक्षण है, भक्तों की रक्षा कर लेते। कालिया के विष से जब गोप लोग पानी पीने गए मर गए थे, भगवान ने जैसे दृष्टि मार डाली उनकी अमृतमय दृष्टि से वो जीवित हो गए। इसलिए भगवान का दर्शन करने से आदमी मरा हुआ आदमी जीवित हो जाता है, भगवान का नाम मुख से लेने से हम मरे व्यक्ति भी जीवित होने लगते। तो इस प्रकार से कुंती बोले, भगवान पल पल पर आपने हमारी रक्षा। अब वो लोग जंगल में जाने लगे, जंगल भी एक खतरनाक जंगल, रात का समय, उन्होंने रात में गंगोरी रात में जा रहे जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गुफा से तो अंधेरे में निकल रहे थे, थोड़ा अंधेरा तो उनको एडजस्ट कर ले रहे थे, लेकिन डर लग रहा था। और बड़े बड़े पेड़ एकदम समझ में नहीं आ रहा रास्ता, क्या करें कैसे नहीं करें, शरीर में थकान हो गई, कुछ खाए नहीं कुछ नहीं किए। तो भीम ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग सब मेरे ऊपर चढ़ जाओ। कुंती को उसने खा ले लिया पीठ पे, और एक भुजा में अर्जुन को, एक भुजा में युधिष्ठिर को, और दो साइड में उसको टांग लिया नकुल से थे, और अकेले चलने लगा। उसको कोई थकान नहीं था, वो एकदम चल रहा है निडर हट, और मातद एक की पूरा पेड़ को खा के फेंक देता, कोई तब मशीन उसी का जरूरत नहीं था, इसे मातद फेंक देता है, इसे इसे पूरा रोड क्लीन करते हुए एकदम रोड बनाते हुए चल रहा था। मजा आ रहा था उसको खेलने में, इन लोग को डर लग रहा था, इतना जोर जोर से मारता था। फिर तो भीम प्रेम से आगे निकल रहा था। इस प्रकार से भीम आगे गया आगे गया आगे गया, और जाते जाते एक समय फिर सुबह जब होने लगी तो फिर वो लोग गंगा के तट पे पहुंचे। गंगा के तट पे पहुंचे तो वहां एक नाव वाला उनको खोज रहा था, पांडव बुलाई आई अपनी नाव में बैठे, वो लोग घर डर गए, इसको कैसे बताने वाले वाले। तो विदुर जी ने उस नाव वाले को वहां पर रख रखा था कि पांडव लोग आएंगे, तीन चार महीने से वहां वही था इंतजार कर रहे थे, जय ब्याग लगे लोग आएंगे। देखिए विदुर जी भगवान की कृपा से उनकी रक्षा हमेशा। तो फिर लगा कि अब विदुर जी का आदमी कोई और ही भाई, तो उन्होंने पूरा संवाद बताया जो विदुर जी ने मलेच्छ भाषा में बताया था कि आप लोग को आग लगेगी। फिर युधिष्ठिर को भरोसा आ गया, तो उन्होंने फिर उनको बहुत दूर तक लेके गए नदी में, तो फिर दूर जगह पे दम दक्षिण की ओर ने छोड़ दिया। उन्होंने विदुर जी को नाव वाले को बोला कि हमारे विदुर जी को बहुत धन्यवाद बोलिएगा। इस प्रकार से भगवान पथ पथ पर पांडवों की रक्षा। फिर पांडव लोग जाने लगे, और नीचे जब जाने लगे तो फिर जंगल फिर घना होने लगा। और फिर एक समय ऐसा हुआ कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि तो जंगल ऐसा हो गया कि न बाएं दिख रहा ना आगे दिख रहा ना पीछे ना, सब तो एक जैसा, क्योंकि जंगल में पता ही चलता है किधर जाना है, पूरा सब तरफ जंगल है। अब उन्हें लगने लगा कि भाई हम लोग तो जंगल में फंस गए, लेकिन भगवान के बाद फिर वो लोग निकल जाएंगे। युधिष्ठिर ने बोला सब लोग घबरा गए, थके हुए थे, भूखे थे, प्यासे थे। फिर युधिष्ठिर ने बोला भीम सबको उठा लो। अभी ने फिर पांचों को उठा लिया, फिर चलने लगा, दौड़ने लगा इस बार पेड़ उड़ फोड़। अरे देखिए भीम क्यों नहीं उठा लेगा पांच ठो लोग को, आप नहीं उठा सकते, भीम तो उठा सकते, भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था। अरे एक हाथी पांच लोग को उठा लेता है, तो 10,000 हाथी का बल वाला कहीं नहीं उठा लेता। तो भीम एकदम चले जा रहा है, समझ रहे। अब जब शाम होने लगी तो फिर इन लोग को कल से कुछ खाए नहीं है पिए नहीं है, तो लोग पूरा थक गए, कुंती को प्यास लगने लगी। तो वहां पर उन्होंने देखा एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो लोग कुंती बेहोश हो गई लेट गई। तो भीम ने देखा कुछ पक्षियों की आवाज से पता चला कि बगल में कुछ तालाब है, वो गया वहां पानी नहीं पिया। फिर अपनी उत्तरी में उसने क्या किया, पानी भी के बाकी पांडव को लेके आया। लेकिन जब तक वो आया देखा सब लोग लेट के सो गए थे, बहुत थके हुए थे, 24 घंटे से लोग चल रहे थे, फिर रात होने वाली थी। अब तो उसने देखा सब लोग लेटे हुए हैं, सब लोग एकदम थके हुए, उसे बड़ा तो गुस्सा आया दुर्योधन पे, कौरवों पे, कि उनके कारण आज मेरे माँ भाइयों को
क्योंकि इतने बड़े महल में रहते थे, उनको जंगल में से जमीन पे सोना पड़ रहा है। भयंकर मन क्या भी दुर्योधन को नोच दे, सोचा देखो युधिष्ठिर के कारण आज वो बचा हुआ है, धर्म परायण मेरा भाई उसके कारण कौरव लोग बचे हुए, इसको राज करना चाहिए, ये राज्य के अधिकार। तब तक भीम सोचा कि अब तो लेट गए, मुझे रात भर की रक्षा करनी थी, मुझे लग रहा बगल में कोई गांव है कोई शहर है, सुबह हम लोग सब वहां जाएंगे, अभी उनकी रक्षा करते। तब जब रात होने लगी, शाम होने लगी, 7-8 बजने लगे, तो सब लोग पांडव लोग सो गए, भीम रक्षा कर रहा था। तो बगल में एक साल के वृक्ष में एक राक्षस रहता जिसका नाम था हिडंबा। ये एकदम गजब का राक्षस था, बहुत शक्तिशाली राक्षस, इसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी, इसकी बहन भी उसके साथ डाल पे रहती थी। और रात को उठा, ये राक्षस लोग रात को उठते, दिन भर सोते हैं रात को, तो दिन भर सोया था, अब रात जब आया तो उसको फ्रेश लगने लगा। आजकल बहुत सारे बच्चे लोग भी इनकी राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, हॉस्टल में खासकर। देखिए आदमी को विद्या दी जाती है कि उसके अंदर दिव्य गुण है, लेकिन आजकल देख सकते हैं हम हॉस्टल कॉलेज में क्या सिखाया जाए। बच्चा घर में सोता है 10 बजे, हॉस्टल में जाके 4 बजे सोता है। आजकल सबको राक्षस के गुण आ रहे हैं, आज बहुत भौतिक पर जो विद्या सिखाई जा रही राक्षसी गुण सिखाया जाए। सब लोग आजकल रात को पहले दिन लोग सोते थे, सुबह उठते थे, लेकिन राक्षस लोग ये जो हिडिंबा का उठ रहा है रात को उठ रहा है। हमारे हॉस्टल में भी हम देखते थे बच्चे लोग शाम को कॉलेज से आएंगे 4 बजे सो जाएंगे, फिर 10 बजे उठेंगे, अभी तो दिन हुआ है, समझ रहे। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, रात के समय मन जो है मलिन विचारों में जाता है। लेकिन आजकल का जो सभ्यता है, लोग रात को जगना चाहते हैं और दिन में सोना चाहते। तो उसने बोला मुझे बड़ी खुशबू आ रही, मुझे लग रहा आसपास मेरी बहन हिडिंबा, मुझे लग रहा बगल में कुछ मनुष्य आए, आज मुझे मनुष्य का मांस खाने मिलेगा, आज मैं गरम गरम खून पीऊंगा उसका, फिर हम लोग नाचेंगे। ये देखिए दूसरी जानवर की प्रवृत्ति, मांस खाने में जानवर को बड़ा अच्छा था। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये राइस दाल सब्जी चपाती, इतने सुंदर भगवान ने सृष्टि में अच्छे अच्छे आइटम दिए, लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता, उनको चाहिए क्या, मांस खाने चाहिए। इस प्रकार से ये राक्षस लोग क्या, तो उसने भगवान को बोला जाओ उस आदमी को उठा के लाओ, हम लोग आज फीस्ट करेंगे। तो हिडिंबा भी, वो भी एक बड़ी राक्षस थी, राक्षसनी थी, वो पेड़ में उछल उछल के गई, पैदल जमीन में नहीं चलते, उछल उछल के चलते, एक पेड़ से दूसरा पेड़ उछलते उछलते भीम के बगल में पहुंची। जब भीम को देखी तो उसके अंदर एकदम काम वासना एकदम उदित हो गई, इतना सुंदर भीम का चेहरा एकदम सुडौल, उसका वर्ण पूरा एकदम स्वर्ण के जैसे, शरीर एकदम हुष्ट पुष्ट, उसको देख के उसके मन में काम वासना उदित हो गई। राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा काम वासना होती। फिर वो क्या किया, अपना सुंदर रूप ले ली, वो सोची मैं इससे शादी करूंगी। वो सोचने लगी अगर मैं इसको खाऊंगी तो केवल घंटे भर के लिए एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन जीवित रखूंगी इससे शादी करूंगी तो मैं हमेशा मजा करूंगी। लेकिन जानवर जो राक्षस लोग होते केवल मजे के बारे में सोचते। तो इस प्रकार से वो सोचने लगी और उसने सुंदर रूप ले लिया और भीम के पास आ गए और भीम को बोलने लगी कि कृपा करके मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम मुझे संतुष्ट करो। और देखो मेरा भाई भी बगल में रहता है, वो मुझे खाने के लिए भेजा था लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, चलो हम लोग दोनों शादी कर लेते, हम लोग दुनिया से आनंद करेंगे। इस प्रकार से वो भीम को बोलने लगी। भीम ने बोला भाई मेरे बोले चलो हम लोग उड़ के कहीं चल जाते हैं, नहीं तो मेरा भाई आ जाएगा परेशान करेगा, हम लोग वहां पर इंजॉय करेंगे, तुमको देख के मैं कामदेव के बाण मुझे घायल कर रहे हैं। इस प्रकार से बोलने लगी, भीम बोलने लगा मेरे भाई बहन यहाँ, मेरे भाई और माँ सोए हुए, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो।
मेरे को पहले उनकी रक्षा करनी है, इनको भी उठा दो, इनको भी लेके चलती। तब तक क्या वो राक्षस जो वेट कर रहे, अभी तक मेरी बहन नहीं, इतना डिले कैसे? वो खुद आ गया और देख के समझ गया, अच्छा ये लड़की जो मेरी बहन है, इतना सुंदर रूप ली है, लगता है इसके अंदर काम वासना आ गई इस आदमी के लिए। उसने बोला तुम मेरा खाने में इतना डिले कर रही, तुमको ही मार दूंगा। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग एक मिनट में किसी को दोस्त बना देते, एक मिनट में दुश्मन मिल जाते। अपनी बहन को थोड़ा सा खाना लाने में लेट कर दी तो बुलाज मार दे तो, और मारने के लिए रेडी हो। भी बोले रुको, भी हीरो की तरह एकदम रुको, समझ रहे? अभी भी बोला रुको, तुम इसको क्यों मार रहे हो? ये तो काम वासना के द्वारा पीड़ित हो रखी है, तुम इसे नहीं मार सकते, मेरे से झगड़ा करो, समझ रहे? तो बोले आज तुमको मैं पूरा दिखा दूंगा कितनी शक्ति है मेरे अंदर, समझ रहे? तो हिडिंबा बोला तुम साइड हो जाओ, देखो मैं इसको दिखाता हूँ। और फिर जब पोज लिया उसको, तुम खेलने में मजा आता है, मार कट करने में। राक्षस बड़ा लंबा चौड़ा था, पेड़ जितना लंबा था। और फिर भीम गए उसके पास, और पहले उसने राक्षस ने भीम का अटैक किया, तो उसके हाथ को पकड़ लिया भीम ने और उसको दूर ले गए ताकि उसके भाई लोग को नींद उनके डिस्टर्ब। देखिए कितने सेंसिटिव होते हैं बाप लोग डिस्टर्ब नहीं होते, हम दूर लेते 100-200 मीटर दूर। और फिर उस राक्षस ने पूरा अटैक किया था, भीम ने उसको पकड़ लिया अपने गोदी में, उसको मरोड़ दिया, फिर उसने निकल गया वो राक्षस। फिर भीम ने फिर उसको मारा, फिर दोनों लोग जितने ही पेड़ थे सब उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे, दोनों ने पूरा पेड़ खाली कर दिए। फिर भीम ने बोला तेरे को मैं आज बताता हूँ, तुमको मैं आज नरक भेज के रहूंगा, तुम्हें मैं आज तुम्हारा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, और तुम्हारी सिस्टर देखेगी आज कैसे मैं तुमको एक पहाड़ को जैसे मैं टांग के ले जाऊंगा, तुम्हारे पहाड़ जैसे शरीर को जैसे जो एक सिंह होता है हाथी को खदेड़ के ले जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें पहाड़ जैसे शरीर को टांग के एकदम तोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। और तुम्हारा जो मांस है वो मैं सियार और गीड़ खाएंगे, बोल रहे? और आज से जंगल में जितने भी जो लोग चलने वाले लोग हैं उनको कोई तकलीफ? वो बोलने लगा ज्यादा बोलो मत, चलो झगड़ा करो। तो फिर बहुत झगड़ा हुआ, फिर भीम तब तक अर्जुन उठ गया, अर्जुन लोग सब लोग उठ गए तो देखने लगे। कुंती ने पूछा हिडिंबा से, सुंदर लड़की से, कि कौन हो आप, कोई देवी हो या कौन हो? तो उसने बताया कि मैं जंगल में रहने वाली हूँ, और मैं भीम को अपना पति मानना चाहती हूँ, और भीम लड़ रहा है उसके साथ। तो फिर वो लोग देखने लगे, उन डर भी लगने लगा क्या हो रहा है। अर्जुन गया भीम के पास, बोला भीम भैया बहुत देर आप थक गए लगता है, आपको लगता है बहुत टाइम लग रहा है, आप बैठ जाओ मैं दिखाता हूँ। और तो भीम को एक्साइट करने के लिए, भीम भाई तुम हटो, तुम बीचो मत आओ, मैं इसको भी तुरंत देता हूँ लोग, समझ रहे? तो फिर भीम ने अपना पूरा शक्ति लगाया और फिर उस राक्षस को एक बार पूरा उठा दिया। और भीम ने बोला तुम इतना राक्षस, तुमको मैं ऐसा मौत मारूंगा तुमको बताता हूँ। और उसको एक बार पूरा घुमा दिया, 100 चक्कर घुमा दिया, 100 चक्कर। और फिर उसने लेके पटक दिया जमीन पे, उसका पुरस मर गया। फिर उसको फिर से उठाया एक बार और साल के पेड़ को पटक के उसका 2 भाग कर दिया शरीर का, इस प्रकार से उसका वध कर दिया। कृष्ण भगवान की, भगवान के पास इतने बड़े राक्षस को भी, इसलिए कुंती महारानी बोल रही है भगवान उस श्लोक में, विषाण महाग्ने पुरुषाद दर्शन, कि विष पिलाया गया फिर आपने रक्षा कर ली, महाअग्नि से रक्षा कर ली, पुरुषार्थ राक्षस आया था, हिडिंब राक्षस सोची जंगल में, राक्षस से कौन डर सकता है? राक्षस की शक्ति दिव्य लोगों के समान होती है, पुरुषों के समान थोड़ी होती है दुनिया, लेकिन उसको भी भगवान की कृपा से लोग ने करा दी, समझ रहे? तो इसलिए भगवान की कृपा सब कुछ संभव हो जाता है, इसलिए जीवन भगवान कृपा मिल जाए सब कुछ मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल
मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल 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 जाए। तो हर समय भगवान रक्षा कर रहे हैं पांडवों की। इतने बड़े राक्षस भी वो लोग जीत गए। फिर रात का समय, रात खत्म होने लगी, समझ रहे। उसके बाद फिर वो लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तो अब वो लोग आगे चलने लगते हैं तो पीछे पीछे हिडिंबा भी आने लगती। सूर्य उग जाता है। अब ये लोग भाई लोग आगे जाते हैं, पीछे पीछे हिडिंबा आ गई। सब लोग सोचते थे क्या करें क्या नहीं करें। भीम को लग रहा था कहीं ये राक्षस लोग प्रतिशोध न ले, इसके भाई का वध किया है। ये लोग बहुत मायावी होते हैं। लेकिन वो औरत भीम से प्रेम भी करती थी। अब क्या करे नहीं करे, भीम उसको क्रोध दिखा दे, भागो यहां से भागो। तभी उसने बताया देखो स्त्रियों पर कभी हम लोग को आक्रमण नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। देखो ये दुनिया में जो धर्म का पालन करना चाहिए उसके लिए जान भी चला जाए तो कोई दिक्कत, तुम्हें स्त्री पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। चलो हम लोग आगे आगे चल रहे, तो जो करना करेगी। तो हिडिंबा तब तक हिडिंबी जो थी हाथ जोड़ ली युधिष्ठिर को, धन्यवाद दी कि आपने मेरी जान बचाई। फिर वो कुंती के पास गए, बोले भैया आप समझ सकती हो कि स्त्री की स्थिति, जिसके अंदर एक पुरुष के लिए कुछ इच्छा है, तो मेरा हृदय पूरा एकदम द्रवित हो रहा है काम वासना से, और भीम को अगर मैं प्राप्त नहीं कर पाए पति के रूप में तो मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए आप मेरी रक्षा बोलिए इसको करने के लिए, आप इसको बोलिए मुझसे शादी कर लेगा। और बोले अगर वो नहीं स्वीकार करेगा तो मेरा जान चला जाएगा। और दूसरे की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, तो ये कोई पाप नहीं है। तो युधिष्ठिर ने देखा कि स्त्री को धर्म का भी ज्ञान है, तो युधिष्ठिर बहुत खुश हो गए। तो इसने सोचा कि भीम के लिए उचित पत्नी होगी, तो भीम भी शक्तिशाली था। तो युधिष्ठिर ने बोला तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें बहुत ज्ञान है, इसलिए तुम भीम के पत्नी बनने योग्य। तो लेकिन एक शर्त है कि वो दिन भर आपके साथ रहेगा बट रात भर हम लोग के साथ रहेगा। भीम भी खुश हो गई, वाह चलो मेरी इच्छा पूरी हो रही। तो फिर भीम ने बोला ठीक है, कंडीशन है कि जब तक पुत्र होगा तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। वो अपने सब बड़े शरीर कर लिए, अपना सबको बिठा ली, पांचों को सब को लेके वो एक सुंदर पर्वत के, पर्वत पे एक सुंदर सरोवर था जिसका नाम था सलीवन, वहां लेके गए। इतनी सुंदर दृष्टि थी वहां पर सृष्टि, वहां पर पांडवों ने अपने लिए एक सुंदर कुटीर बना ली, वहां पर रहने लगे, सुंदर फल फूल खाने लगे, बहुत अच्छे से वहां जीवन जी रहे थे वो लोग। हिडिंबी भीम को सुबह सुबह ले जाती थी अपने साथ, और वो लोग सुंदर सुंदर महलों में घूमते थे, और इस प्रकार से 7 महीने तक वो लोग घूमे। लेकिन वो 7 महीने ऐसे बीत गए ऐसे 7 दिन हिडिंबी ने बहुत सुंदर रूप ले लिया था, और दोनों लोग 7 महीने बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा घटोत्कच। चूंकि इसके सर पे बाल नहीं थे, घड़ा के जैसे था इसका क्रीम, घड़ा के तरह घटोत्कच, और ये बच्चा तुरंत ही जन्म लेके बड़ा हो गया। लेकिन इसका राक्षस जैसा रूप था, इसका शरीर देखने में डरावना था, इसका सर पे बाल नहीं था, आंख एकदम लाल लाल, कान में ऐसे एकदम जैसे बाण की समय कान, शरीर एकदम लगा था ताड़ के पेड़ के समान। तो इस प्रकार सब लोग उसको देख डर, लेकिन वो घटोत्कच का शरीर ऐसा था
लेकिन वो फिर लेकिन उसका मन जो था एकदम धर्म की तरह आकर्षित था, वो एकदम धार्मिक था, क्योंकि जैसे माँ बाप की चेतना होती है उसके हिसाब से बच्चा पैदा होता है। फिर भीम इतने पवित्र भक्त थे भगवान के, तो उनके पुत्र में भी क्या धार्मिकता थी, धर्म। इसलिए विवाह जो होता है विवाह यज्ञ बोलते हैं, जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए स्त्री पुरुष शादी करते हैं, ऐसा नहीं केवल भोग वासना के लिए। वो तो कुत्तों बिल्ली का कल्चर हो गया। हमारे सभ्यता में स्त्री पुरुष का मिलन एक यज्ञ कहलाता है, विवाह यज्ञ। और ऐसे विवाह यज्ञ पत्नी पुरुष और पति दोनों भक्त होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए शादी करते हैं और वो लोग मिलन भी करते हैं, तो एक शुद्ध संतान की प्राप्ति के लिए जो भगवान का बड़ा भक्त हो, जैसे हमारे बहुत बड़े भक्त भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी पत्नी भगवती देवी, दोनों बहुत बड़े भक्त भगवान के। तो हमें प्रार्थना की भगवान हमें शुद्ध भक्त हमारे घर में पैदा हो। तो फिर उन्होंने दुर्गा देवी से प्रार्थना की, विमला देवी से, तो उनके प्रसाद के रूप में उनके पुत्र जिनका नाम था विमल प्रसाद, और जो जन्म लिए वो तो उनकी जो उनको जैसे जनेऊ होता है उनका जो शरीर से धागा था अपने आप ऐसा उनका बना हुआ है, तो लगा था जन्म से ब्राह्मण पैदा हो। जो बच्चे का रस्सी काटी जाती है जन्म के बाद उसके ऐसे करके अपने घुमा हुआ था, लग रहा था कि भगवान ने उनको पहले से ब्राह्मण बना के। जब वो एक साल के थे उनका घर पुरी में जन्म हुआ था, पुरी में उनका घर था, वो मजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनका पुत्र का जब जन्म हुआ तो पूरा रोड के बगल में उनका घर था, तो रथ जब जा रहा था तो उनके घर के सामने रुक गया, दो दिन तक हिला नहीं, सब लोग बहुत प्रयास कर ले हिली नहीं रहा। तो जब भगवती देवी अपने बच्चे को लेकर आए रथ पे, तो भगवान की माला उस बच्चे के घर पे गिर गई और रथ चल हो गया, तो सब लोग समझ गए कि महान भक्त पैदा हुआ, उनका नाम बाद में पड़ गया भक्ति राम सरस्वती ठाकुर, भक्ति राम सरस्वती ठाकुर की। जब वो 7 साल के थे पूरा उनको गीता कंठस्थ हो गए, तो गीता प्रवचन किया करते थे 7 साल की उम्र। जब वो 5 साल के थे उनके पिताजी एक बार गर्मी का सीजन था भारत में, आम में बड़े फेमस होते हैं, बहुत मीठा फल है भारत में, भारत की संस्कृति में आनंद है, इतने सुंदर सुंदर पदार्थ थे खाने के लिए भगवान ने दिया, क्योंकि धर्म यहीं पर होता है भारत में ज्यादा, विदेशों में इतना खाने होने के लिए चीज नहीं, लेकिन भारत में सब कुछ भगवान ने सुंदर सुंदर फल दिए हैं, फूल सब्जियां दी है, तो सुंदर अद्भुत गाय का दूध है, फ्रेश खाते लोग, तो इस प्रकार से। तो एक दिन के पिताजी बहुत सुंदर आम लाए थे, तो उन्होंने एक खा लिया, तो पिताजी ने पूछा बेटा तुमने ये अर्पित किया था भगवान को क्या? तो छोटा 5 साल का बच्चा, इसको क्या बुद्धि होती है? उसने बोला पिताजी मैं तो अर्पित नहीं किया, मैं तो अर्पित भगवान को, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा कि मैं अर्पित क्यों नहीं किया। उनके पिताजी बस पूछे भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए, उस दिन उनको बुरा लगा। 5 साल के छोटे बच्चे को देखे, 5 साल के बच्चे को तो कुछ नहीं फील होता है, छोटे बच्चे ने उस दिन कसम खा ली कि आज के बाद मैं जीवन राम नहीं खाऊंगा, मैंने भगवान को बिना अर्पित किए राम खाया, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। और फिर बाद में जाके बहुत बड़े आचार्य बने, वो उनके 10,000 शिष्य थे, बहुत शिष्य थे उनके, तो कभी कभी शिष्य गर्मी में उनको ले आम लेके आते थे, गुरु जी आपके लिए आम, तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं अपराधी हूं, मैंने भगवान को बिना अर्पित किया। एक बार बचपन में एक बार बचपन में उन्होंने बिना अर्पित कर खा लिया, जीवन राम देख। तो जब माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, भक्त होते हैं, तो बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं। लेकिन माँ बाप केवल भोग के लिए एक दूसरे से संभोग करेंगे तो फिर बच्चे के अंदर भी दानवी चेतना आती है, तो इसीलिए ये माँ बाप के लिए भक्त होना बहुत जरूरी। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ जैसा चीज सुनती है उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है, इसीलिए माँ का कर्तव्य, माँ बाप दोनों का कर्तव्य होता है अच्छी भक्ति करे, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है। तो इस प्रकार से चूंकि हिडिंबा और भीम
दोनों भीम दोनों धर्म परायण थे, इसलिए बच्चा भी कैसा पैदा हुआ, घटोत्कच भले राक्षस कुल में पैदा हुआ फिर भी कैसा था, धर्म परायण। स्वाभाविक रूप से राक्षस धर्म परायण नहीं होते, लेकिन इस बच्चे की जो मानसिकता थी धर्म परायण थी। तो सभी पांडवों का बहुत प्रिय हो गया, सबका बच्चा था वो, सब लोग उसे ट्रेनिंग देते, अर्जुन उसे अस्त्र सिखाते थे, सब लोग मिलकर उसे बहुत सुंदर सुंदर सिखाए। फिर 2 महीना जब हुआ, बड़ा हो गया वो, तब बोला मुझे अब उत्तर की ओर जाने दे, जहाँ राक्षस और यक्ष रहते हैं वहीं पर मेरे लिए जाना स्वाभाविक होगा। तो फिर वो निकल गए, लेकिन आप लोग कभी भी जरूरत होगी याद कीजिएगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार से 9 महीने बीत चुके थे। फिर भीम ने हिदिंबी को बोला, देखो अब काफी समय हो गया, अब आपको पुत्र भी हो गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा अपने भाइयों के साथ, हमें अपना राज्य भी जीतना है। तो हिदिंबी चाहे निराश हो गई, बोली लेकिन आप लोगों को कभी कोई जरूरत होगी आप मुझे जैसे याद करेंगे पकड़, और कभी हम लोग की फिर भेंट हो सकती है क्या? बोले अभी तो हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन जब हम लोग राज्य जीत जाएंगे फिर आपको आप भी आ सकते हैं, तब फिर भेंट हो जाएगी हम लोग। तो फिर इस प्रकार से वो लोग जंगल की ओर आगे, और चूंकि वो लोग खोजे ना जा सके, फिर पता चल गया अगर कुछ स्पाइस के द्वारा जासूसों के द्वारा कि पांडव लोग अभी भी जीवित है, तो फिर कौरव लोग प्रयास करेंगे उनको मारने का। फिर उन्होंने अपने बालों को वैरागी कैसे बाल कर लिए, कपड़े पहन लिए, और अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे ताकि कोई उनको पहचाने नहीं। और लोग हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे, इतनी कष्ट है पता नहीं क्या होगा, लेकिन भगवान की याद कर रहे, भगवान को पुकारते रहते थे कि भगवान जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये भरोसा था। ये भक्तों का एक लक्षण होता है, भगवान पे भरोसा रखना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राहिए, जाहि राखे राम ताहि विधि राहिए, सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम 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 गाइए, भगवान पर हमेशा निर्भर करते थे। तो राक्षस लोग क्या है, अपने बारे में सोचते हैं, क्या धर्म का विचार नहीं करते, देख उनको बस तुरंत का फायदा चाहिए। असुर मनते इति असुर, असु मतलब जल्दी जो मिल जाए उसी में आनंद खोजते हैं, कुछ धर्म की परवाह नहीं करते, कुछ धर्म में नियम नहीं, तुरंत मिल जाना चाहिए। भोग लगा रखा है भगवान को दे देने, हम उतने पैसे खा लेंगे, कुछ तुरंत उनको चाहिए। इस प्रकार से उन पाप करने से नहीं घबराते। तो इस प्रकार से जो असुर होते हैं उनके लिए पाप से मतलब नहीं, उनको बस पैसा चाहिए, उनको बस कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं, अपना केवल देखेंगे, लेकिन इससे नुकसान होता है, ये पाप की कमाई टिकती नहीं। एक बार राज समाज में इतना खराब स्थिति हो गई, लोग पाप पे पुण्य का विचार भी नहीं करते, मतलब ऐसा बेकार है,
एक बार हम स्टूडेंट केंद्र में थे, कुछ हमारे चार चार पांच बिल्डिंग में बच्चे लोग रहते थे, तो एक बिल्डिंग सामने में जो रहते थे बच्चे, तो उसके दो तीन फ्लोर थे, एक में उसने इंस्टीट्यूट बना रखा था, एक में हम लोग रहते थे, एक में कुछ बच्चों को दे रखा था कॉलेज के हर कॉलेज। तो हमारे स्टूडेंट ने बताया कि वो बच्चे लोग नशा करते हैं उस फ्लैट में और गलत काम करते हैं। तो जब मुझे पता चला वो लोग दारू पी रहे हैं, लड़कियां ला रहे हैं, मतलब गलत गलत काम कर रहे, तो मैंने वहाँ के मालिक को बोला, देखिए वो मालिक कहीं और रहता था, उसका बहुत पैसा था, उसके बच्चे लोग भी बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब महीने का लाखों कमाता था और फ्लैट से भी उसको मिलता था 20-30-40 हजार, तो पैसे की कोई कमी नहीं, 2-3 लाख रुपया महीने का उसको मिल जाता था। तो मैंने एक दिन को समझाया, देखिए आपके फ्लैट में कुछ बच्चे रहते हैं और वो लोग गलत काम करते हैं, आपके घर में कर रहे हैं तो आपको भी उसका फल मिलेगा, आप नहीं कर रहे तो क्या, लेकिन आपको फल इसका, आपके घर में गलत कर रहे हैं, वो लोग दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं, लड़कियां ला रहे हैं, मतलब बहुत गलत है। तो हमारे स्टूडेंट जो भी रहते तो उन्होंने बताया, तो हमारे स्टूडेंट डांटा था उन बच्चों को, लेकिन फिर भी वो लोग ध्यान देते, हमारे कुछ फोर्थ ईयर के बच्चे, उन्होंने डांटा था उनको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थे, लेकिन उन्होंने सर ऐसा क्या है सर, पाप पुण्य क्या होता है। तो मैंने उनको समझाया वहाँ के जो मालिक थे कि भाई देखिए उचित कार्य नहीं, उन बच्चों को आप समझाइए। वो बोले अरे महात्मा जी ये सब कहा, आप भी छोड़िए ना, अभी नहीं करेगा तो कहा करेगा, अभी तो उम्र है, अभी तो ये सब चीज का, बोला अरे आप ऐसा बोलेंगे आपके घर पाप और आपको डर नहीं, बोला अरे ये सब उम्र है ठीक करने दीजिए। तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर कुछ दिन बाद स्टूडेंट आया, बोले प्रभु जी वो जो आदमी था ना उस मकान वाले, उसके पास करोड़ों रुपया हो, पैसे की कुछ कमी नहीं, एकाएक क्या हुआ, पाप की कमाई वैसे होता है आदमी को सुखी नहीं रहने देता, उसकी बच्ची किसी के साथ भाग रही है उसका प्रॉब्लम, फिर घर में क्या हुआ, जिस घर में रहता था अपनी पत्नी के साथ, एक दिन पत्नी बेचारी बाजार में जा रही थी, गार्डन से आ रही थी, रास्ते से एकाएक मधुमक्खी के छत्ते में उसको अटैक कर दिया, मधुमक्खियां अटैक करती तो बहुत खतरनाक अटैक, उसकी पूरी पीठ को एकदम पूरा खा गया, फिर आसपास को कोई भी हेल्प ही नहीं कर रहा था, करोड़ों रुपया लेकिन पूरा उसकी पीठ को पूरा खा गया, फिर आसपास कुछ लोगों ने देखा तो फिर आग मुंह जला के किसी प्रकार से मक्खियों को भगाया गया, उसका पीठ नहीं खत्म, तो फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, हमारे बच्चे लोग फिर उनके माला वाला किए, जब किए प्रार्थना किए, इतना कष्ट हुआ वो, अब उसको दिन रात उस पत्नी की सेवा करनी पड़ी, अब क्या सुख, करोड़ रुपया लेके भी अब पत्नी को ऐसी स्थिति में हो जाए क्या सुख। आदमी सोचता है भगवान के लिए हम ऐसे में कहा रहे, तो फिर जब रिएक्शन आता तो समझ में नहीं आता कि उसके पाप के कारण आ रहा है। इसलिए आदमी को जीवन पाप से बचना चाहिए, तो इतना आदमी को परेशान करती है पाप की वासना है। देखिए धृतराष्ट्र पापी मन से उसने क्या किया, पांडव को भेज दिया कि पांडव लोग मर जाएंगे, मरे नहीं, उन्होंने बच गए, भगवान बचा लिए उनको, क्या वो खुश हो गया, कौरव लोग खुश हो गए नहीं, वो और पाप करेंगे और कष्ट पा रहे थे। इसलिए जीवन में पापों से बचना चाहिए, इसे साधु संग करना है। राक्षस लोग जो होते थोड़ा तुरंत फायदा देखते हैं, कंस कितना बोला था मेरी बहन है, मेरी बहन है, देवकी मेरी बहन है, उसको लेके जाऊंगा मैं रथ हाकूंगा, और जैसे ही पता चला आकाशवाणी हो गई, इसी का 8वां बच्चा तो मारेगा मुझे कंस, तलवार निकाल दिया, मार देगा तुमको, अभी मेरी प्यारी बहन, अभी इसको बहन बहन बोला था उसको गला काट दे। तो इस दुनिया में राक्षसी प्रवृत्ति को कम करना चाहिए, शरीर के लिए, अपने थोड़े से जीवन के लिए, वो बच्चा बच्चों को मार दिया उसने दीवार में पटक पटक के, ये बहुत
भौतिक वासनाएं आदमी के हृदय को कठोर बना अंधा बना देती, इस जीवन में भी दुख पाता और अगले जीवन में दुख पाएगा। इसलिए जीवन को अधर्म के मार्ग में नहीं जाना चाहिए। धृतराष्ट्र के लिए उचित था, कौरव को पांडवों को भी राज्य दे सकता था, ठीक आधा आधा कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अधर्म का पालन किया, दुर्योधन से आसक्त। जीवन में धर्मशील होना चाहिए, जहां तक हम दूसरे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी सुनने में आता है परिवार वालों में भाई भाई में झगड़ा हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए, सब लोग ज्यादा प्रॉपर्टी खुद ही लेना चाहते हैं, ठीक है आधी आधी बांट लो, लेकिन ज्यादा है ज्यादा तो भागो, ठीक है भगवान भाग्य वो सब चीजें बोला चाहिए, ठीक है भाग्य में होता मिल जाएगा तो मिल जाएगा, उसमें नहीं भाग्य क्या हमको करना पड़ेगा, झगड़ा कर लेंगे हम एक इंच उसको ज्यादा नहीं दे, ठीक है एक इंच ले लेगा तो कौन सा आपका भाग्य कम हो जाएगा भगवान देख लो। तो लेकिन लोग जो है आज उनका मति मलीय हो गई है, कभी कभी बड़े भाई के पास पावर होता है तो छोटे भाई को देता नहीं, तो कोई छोटा भाई चीटिंग कर लेता, मतलब इस प्रकार से ये गलत विचार। सबसे बढ़िया है तो भगवान का नाम लेना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान जो आप करना चाहे कर लीजिए, और इस देवन होना चाहिए, ठीक है पांडव का भी अधिकार, ठीक है कौरव को थोड़ा दे दो, नहीं ना, तब जाके जीवन में सब लोग खुश रहते हैं। लेकिन सब में अगर ये भावना आते हमारा हमारा, जैसे ये राक्षस था हिडिंबा अपनी बहन को मारने लगा, बहन थोड़ा लेट हो गई खाना लाने में तो अपनी बहन को मार, इस प्रकार से हमें अपने भोग के लिए नहीं जीना चाहिए। पाप की कमाई जो है ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। एक बार एक टैक्सी ड्राइवर था, एक भक्त जा रहा था तो उसको नया नया कलकत्ता में आया था, उसे 40 रुपए 80 रुपए ले लिया घुमा देते, ऐसे करके मान लिया दिन भर में 2000 रुपये कमा भी लिया एक्स्ट्रा, सोचेगा 2000 कमाया एक्स्ट्रा, घर जाएगा क्या होगा पता चलेगा बेटा बीमार, 2000 रुपये इलाज में लग जाते हैं। तो पाप की कमाई पाप में जाएगी, और अगर असुरों का संग करेंगे तो पाप करने के बाद पाप की कमाई पाप में जाएगी, फिर भी पाप से मती नहीं जाएगी। 2000 रुपया लग जाएगा बच्चे के इलाज में, फिर आदमी सोचेगा देखो मैंने पाप किया था मेरा बच्चा जीवित रहा, उसको ये नहीं समझ में आएगा पाप किया तो बच्चा बीमार हुआ, वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना। भक्तों के जीवन में क्या चीज की प्राधानता देते हो लोग, सेवा, कि भगवान की सेवा करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। पांडव लोग हमेशा सबकी सेवा करते, इसीलिए सबका आशीर्वाद मिला उनको, जब राज्य में जाते थे तो लोग आशीर्वाद देते थे बेटा तुम 100 साल जी हमारी आयु तुम्हें लग जाए, हमारे जो दान तप पुण्य सब तुम्हें मिल जाए। सेवा करने से आशीर्वाद मिलता, आशीष मिलते, दिखती नहीं है मिलती है, पाप करने से दुराशीष मिलती है, दिखता नहीं लेकिन मिलेगा, लेकिन सेवा करने से आशीष मिलते हैं आदमी को। देखिए सबरी, वो भी एक जंगली कुल में पैदा हुई थी, जंगल में रहती थी, एक दिन देखा घर के बाहर हजारों हजारों बकरियां लगी थी, उसने माँ से पूछा माँ इतनी हजारों बकरियां, तो बेटा पता नहीं कल तेरा विवाह है, तो विवाह है और विवाह उत्सव के लिए इनको काट के खाया जाए। सबरी के हृदय में दया है कि इतने सारे जानवर मेरे विवाह के लिए मारे जाएंगे, रात को ही भाग गए मेरे कारण इतने लोग को मारे जाए, और माता मुनि के आश्रम में चली गई, वहां पर दिन रात सेवा करती थी सही भक्तों की, उनके कपड़े धोना, आश्रम को साफ करना, मतलब कथा सुनते थे मदद करती थी। एक दिन गुरु जी उनके मातंग ऋषि जा रहे थे सब भक्तों के लिए, गुरु जी किधर जा रहे, बोले भगवत धाम जा रहा हूँ, गुरु जी मैंने इतनी सेवा की मुझे नहीं ले जाएंगे, बोले बेटा हमें तो भगवत धाम जाना पड़ेगा प्रयास करके, चूंकि तुमने वैष्णव की सेवा के श्रद्धा भाव के साथ, इसलिए तुमको भगवान स्वयं तुम्हारे पास मिलने के लिए आए। और हुआ भी, पंपा सरोवर में आज भी वो सबरी की गुफा है जहां स्वयं भगवान आए थे,
जब जीवन में सेवा करते तो आशीर्वाद मिलता है, करना चाहिए। तो जब बहुत बड़ी विपत्ति आती है ना, तो आशीर्वाद आपको बचा लेता है। क्योंकि कुछ भक्तों के जीवन महा विपत्ति आती, जैसे पांडवों के जीवन में महा महा विपत्ति आ रही थी, लेकिन पांडव के किए हुए पुण्य कुंती की प्रार्थनाएं बचा ले रही थी। विष पिलाने के बाद कौन भी जीवित रह सकता है, लेकिन जीवित नहीं रहे हमेशा वो लोग, और शक्ति के द्वार वापिस आए। अग्नि में डाल दिया गया घर में, फिर भी वो लोग जीवित होकर बाहर और शक्ति के साथ। जानवर से झगड़ा किए, राक्षस से झगड़ा हुआ, लेकिन फिर पता चला उसकी सन उनको घटोत्कच रूपी एक महान वंशज मिल गया, हिडिंबी का सपोर्ट मिल गया। इस प्रकार से जहां जहां उनको कष्ट डाला जा रहा, उनका सपोर्ट और पावरफुल बनते जा रहे। हमने देखा बहुत सारे भक्तों के जीवन में कभी कैंसर हो गया, कुछ हो गया, लेकिन इतना कष्ट आ रहा था, लेकिन चूंकि भक्ति करते थे, भगवान ने उन कष्टों में उनको और शक्तिशाली बना दिया। बहुत सारी माताएं लोग, बहुत सारे लोग की सेवा कर रही, बहुत सारी माताएं भागवत पढ़ती है, दूसरों को पढ़ाती है, ये सेवा करती है, तो भगवान बहुत कृपा करते हैं, उनको बहुत स्पेशल कृपा मिल जाती है भगवान। इस प्रकार से सेवा से कृपा मिलती है, और कृपा में शक्ति होती है। जैसे अभी हम लोग इस बार नित्यानंद जयंती में जो उत्सव था, तो हम कलकत्ता में सेवा करने के लिए गए थे। 5,000-4,500 भक्तों का प्रसाद सेवा करना था, बहुत सेवा थी। 25-30 भक्त लोग गए थे, तो हम लोग को वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं थी, तो किसी प्रकार से बच्चे एक छोटे रूम में रह रहे थे, लेकिन सबका सेवा का भाव था कि जो सोने मिला नहीं मिला, फिर भी वो लोग सब लोग बहुत सुंदर सेवा के लिए था। तो उसी के दिन सब भक्त लोग बहुत, कोई भी पूछा, लास्ट में सब लोग खाए सबको खिलाने के बाद, तो भगवान भक्तों का अपना आशीष मिली। 5,000 भक्तों ने अपना आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ऐसा नहीं कि आपको ऐसे हाथ कर करके आशीर्वाद देंगे, जब आप अच्छे सेवा करते हो भगवान अपने आप आशीर्वाद मिल जाता है। तो भक्तों का जब आशीर्वाद मिला, तो 8 तारीख को फिर हम लोग कलकत्ता में थे एक दो दिन, तो हम लोग सोचा था बच्चों को हम कलकत्ता के कुछ और तीर्थों को दर्शन करा देंगे। तो वहां पर नित्यानंद का जगह है खरदा, तो हम भी वहां कभी गए नहीं थे, तो हम उनको लेके जाने वाले थे 9 तारीख को खरदा। तो मैं रात को वहां के बारे में पढ़ रहा था खरदा के बारे में, तो पता चला कि जो कंस ने जिस पत्थर पे बच्चों को मारा था, वही पत्थर वृंदावन से नदी में जब बहाया गया था तो बंगाल आ गया था। बंगाल जब आ गया था, तो इधर खरदा में एक भक्त थे नित्यानंद के बेटे, जिनका नाम था वीरभद्र। तो वीरभद्र प्रभु जो थे बड़े शक्तिशाली थे, बहुत 12 साल की तपस्या की, तब भक्तों का आशीर्वाद लिया, तो उनको भगवान प्रकट हुए, बोले कि आप जाइए बंगाल में, आपको मेरा एक विशेष पत्थर मिलेगा, वहां से मुझे लेके आइए और फिर मेरे को स्थापना कीजिएगा। तो गए राजा के पास, वो पत्थर था, लेकिन राजा किसी को देने वाला नहीं था, तो ये गए तो इनकी परीक्षा लेने लगे राजा के लोग, उनके खाने में क्या किया, उन्होंने मीट लेके डाल के लेके आए, खाने में मीट था पता नहीं था, जब पता चला मीट खा लिया तो बोले तुम तो पवित्र हो, अपवित्र हो, लेकिन जैसे उन्होंने मीट खोले तो पता चला वो पूरा एकदम शुद्ध खाना बन गया, एकदम उसमें गुलाब के फूल आ गए, कमल के पुष्प आ, तो समझ गए इसके पास तो बड़ी शक्ति है। फिर अपने वो लोग दारू लेके गए, दारू जब उसके लेके जब खोला तो दूध बन गया, तब समझ गए इसमें बड़ी शक्ति है। लोग उनका बेटा बीमार था राजा का, तो उसको दिखाया कि आप में शक्ति ठीक कर, तो ठीक कर दिया। मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपके पास पत्थर है ना एक दिव्य पत्थर जो मैदान से आया था, बोले हाँ मुझे दे दीजिए, बोला ले लीजिए। तो लेके जब जाने लगे तो भविष्यवाणी होगी, मैं आप मुझे उठा के नहीं जा पाएंगे, बहुत हैवी, आप इसको नदी में डुबाइए, यहाँ पर डालिएगा और ये आपको खरदा में निकल जाएगा। उसको डाला गया फिर खरदा में, तो वहां पर एक घाट है जहां पर निकाला गया, फिर उस विग्रह से अभी वो पत्थर है खरदा में, और विग्रह से 3 मूर्तियां बनाई गई, एक राधा श्याम सुंदर की, एक राधा वल्लभ की, और एक और विग्रह आसपास वहीं पर है।
तो हम पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर लग रहा था पढ़ के, ऐसे भगवान का विग्रह खरदा में, वो राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह भी नहीं। और मैं रात को 11:30 पढ़ रहा था, कल मुझे जाना 9 तारीख को, तो पता चला कि वो फिर विग्रह की स्थापना हुई थी माघ पूर्णिमा के दिन। तो सोचने लगा कल क्या है, पता चला कल जब हम लोग जाने वाले हैं तो क्या है, कल माघ पूर्णिमा है, कल के दिन ही वो भगवान का विग्रह की स्थापना हुई थी। हम लोग ऐसे में प्लान करके नहीं गया, बट उसी दिन क्या हुआ पता चला कि हम लोग उस दिन जा रहे हैं वहां पर जिस दिन उसकी स्थापना। बस मैं पूरा रात को पूरा 12 बजे तक मेरे रूम में रोमांच हुए कि हम लोग उस दिन जाएंगे जब वहां पर भगवान की स्थापना है, जिस दिन मतलब आज भगवान का बर्थडे है जिस दिन हम लोग जा रहे हैं। किसी को पता नहीं, तो हम सुबह उठे रेडियो में बताया भगवान जहां हम लोग जा रहे हैं उनकी स्थापना हुई थी आज। तो साल में उस दिन सबसे बड़ा उत्सव होता है, लाखों भक्त आए हुए थे वहां पर, पूरा हम लोग जब जा रहे थे रस्ते में पूरा बड़े बड़े गाड़ियों में लोड होकर भक्त लोग जा रहे थे दर्शन के लिए। तो हमने सोचा वाह कितना बड़ा भाग्य हम लोग का भाई, जिस दिन स्थापना उसी दिन हमको भगवान ने बुला लिया। उतना ही नहीं, फिर क्या हुआ, हम लोग मंदिर पहुंचे, बहुत लंबी लाइन थी, किलोमीटर लंबी लाइन। हम लोग मंदिर में गए दर्शन के, लंबी लाइन, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो भगवान के सामने कीर्तन का हॉल था, हम लोग कीर्तन करने लगे, हम लोग इतना सुंदर नाच कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और वहां पर साउंड सिस्टम रखा हुआ था, तो स्टूडेंट ने बोला पूजा इसमें गा सकते भाई, तो इनका साउंड सिस्टम हमारे मंदिर थोड़ा है, तो मैं वहां के पुजारी ने लगाई कोई दिक्कत नहीं, अच्छा गा रहे हम लोग, फिर वो साउंड सिस्टम में गाने लगे। भगवान के बर्थडे के दिन उस सब पुलिस थी, प्रोटेक्शन था पूरा उस दिन। और बाद में पता चला 2 किलोमीटर दूर तक साउंड जा रहा, हमारे कुछ मित्र और भी कलकत्ता में, बोले पूजी आप गा रहे थे ना, अच्छा आपको सुनाई दे रहा था। तो हम लोग का पूरा कीर्तन फेमस हो गया, 2-1.5 घंटे हम लोग कीर्तन किया भगवान के बर्थडे के दिन। तो इस प्रकार से जब आप सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, और जीवन में भगवान बड़े बड़े सुंदर मौके देते हैं। इसलिए जीवन में कमाना है तो आशीर्वाद कमाना चाहिए, सेवा के द्वारा, पुण्यों के द्वारा, न कि पाप के द्वारा, दूसरों को कष्ट देने के, दूसरों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। आप कभी किसी को धोखा दोगे तो फिर आपके जीवन में कभी ना कभी धोखा इस जीवन में लोगे अगले जीवन में। इसे कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए, कोई बुरा करे हमें अपना अच्छा करना है। तो इस प्रकार से पांडव ने चूंकि कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए देखिए आज हम मुसीबत में भगवान की मदद कर रहे। इतने बड़े बड़े तूफान आए, तूफान में तूने ही मुझको था, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको था, तूफान आंधियों में तूने मुझको था, तूफान आंधियों में तूने मुझको था। तुम कृष्ण के आए मैं बड़ा खुदा, तुम कृष्ण के आए प्रकार से हम देखते हैं भगवान ने बड़े राक्षस हिडिंबा पर जैसे बड़े राक्षस से रक्षा कर ली, और हिडिंबा भी अब पांडवों के परिवार का अंश बन गए, घटोच कच मिल गया। देखिए और पॉजिटिव हो गया। और फिर जब लोग रास्ते में जा रहे हैं तो एक दिन जंगल में बैठे रहते हैं तो वहां पर व्यास देव आ जाते, सोचिए तो व्यास देव को प्रणाम करते हैं वो लोग, पूजा करते हैं, व्यासदेव को बिठाते आदर करते। फिर व्यासदेव बोलने लगते मुझे पता है कौरव लोग ने दुर्नासा अत्याचार किया, वैसे कौरव हो तुम लोग मेरे इक्वल हो, बराबर हो मेरे लिए, क्योंकि व्यासदेव ने ही अंबिका और अंबालिका के गर्भ से
धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया था और विदुर को सुंदरानी के रूप से। तो सब ये सब पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही व्यास व्यास के बेटे थे, तो कौरव भी उनके पोते हुए और पांडव भी उनके पोते हुए। लेकिन फिर भी बोले मैं किसका सहारा देना चाहता हूं, व्यास जी ने बोला मैं तुम लोग का सहारा, तुम लोग को सहारा दे रहा जा रहा था। दो कारण थे, तुम लोग धर्म का पालन कर रहे हो और दूसरा तुम लोग कष्ट में हो। तो जीवन में अगर आप कष्ट में ज्यादा कृपा मिली और आप कष्ट में धर्म का पालन करेंगे तो सबसे ज्यादा कृपा मिली। व्यास देव प्रकट हो गए जंगल में, व्यास देव मिल गए सोचिए। तो जीवन में हमेशा आपको मदद मिलेगी अगर आप धर्म परायण रहेंगे, हमेशा भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हमेशा भागवत पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, दूसरे भक्तों का संग करेंगे, आप देखेंगे महान महान भक्तों आपके जीवन में आ जाए। तो सोचिए, तो अभी वेद व्यास ने बोला देखो तुम लोग पता नहीं तुम लोग कहाँ जाना, मैं बताता हूँ। और वेद व्यास स्वयं उन लोगों को ले गए और लीड किए खुद पर्सनली, और एक चक्रा ले गए, एक गांव था एक चक्रा वहां ले गए और एक ब्राह्मण भी वहां ले गए। ये ब्राह्मण जो था ये अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से करता था, कोई भी अतिथि आता था उसका सत्कार करता, उनको अपने घर में जगा देता था। तो उसने दो रूम दे दिए पांडव, छह लोग थे तो दो रूम आप लोग प्रेम से रहे। और वेद व्यास ने बोला आप लोग यहां पर रहिए, मैं फिर से आऊंगा मदद करने। तो जब जीवन में आप धर्म परायण होते हो तो आपको बहुत सारे ऊपर से लोगों से देवताओं से महात्माओं से हेल्प मिलती रहती। वेद व्यास स्वयं आके उनको गाइड कर, और इधर एक चक्रा में लोग रहने लगे। बहुत सुंदर गांव था और ये ब्राह्मण ने कसम खाई थी कि मेरे घर में कोई भी आएगा उसको मैं रखूंगा। तो ये बहुत अच्छा है, अतिथि का सत्कार करने से बहुत बड़ा पुण्य, महात्माओं को अपने घर में रखना, उनकी सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य। हम देखते हैं नारद मुनि भी अपने जीवन में उनकी मां ने महात्माओं को अपना सेवा की थी। चार महीने महात्मा लोग जाते रहे कहीं बारिश की सीजन में तो उनके गांव के लोग रुक गए थे, तो उनकी मां रोज उनके लिए खाना बनाती थी, उनके घर को साफ कर देती थी, नारद मुनि जाके परोसते थे। इसके कारण नारद मुनि क्या बन गए, महात्माओं का सेवा करके उनके उच्चिष्ट को खाके उनकी कृपा से भागवत सुन के वो क्या बन गए, नारद मुनि बन गए, भगवान में रुचि आ गई। ये भाग मुझे भी अपने जीवन में मिला। अभी जब छोटा था कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मुझे जीवन का लक्ष्य नहीं पता चल रहा था। मेरे पिताजी बड़े धर्म पर आए, एक साधु को उन्होंने घर में ले आया कि उनको कहाँ रखना, तो बोला मेरे घर में रख लीजिए। तो बड़ा घर था, उन्होंने पूरा एक रूम साधु जी को दे दिया, मम्मी बनाती थी मैं भी परोस देता था। तो मुझे बहुत पुण्य मिला, सेवा करने का मौका मिला, छोटा बच्चा था तो पाँव जमाने का भी मौका मिला। तो जब आप महात्माओं की सेवा करते हैं तो फिर उनकी कृपा से मैं देखा महात्मा जी भगवान के प्रति बड़ा आकर्षण है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था क्या आकर्षण होता है, लेकिन मैं देखा उनको, पहली बार मैंने उनको देखा कोई आदमी, जब 3 बजे मैं तो सो रहा था लेकिन देखा आवाज आ रही कहीं से, तो मैं उठ गया, मैं टॉयलेट करने गया था, फिर वापस आया, देखा मैं देखा हॉल में बाबा जी एकदम उस भगवान का कीर्तन कर रहे, बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे थे, कोई करताल कोई मृदंग नहीं था, तो लकड़ी को लेकर दबा बजा रहे थे ऐसे और कीर्तन कर रहे थे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, गोविंद हरे गो।
टॉप कर चुका था, सब कुछ कर लेकिन फिर भी मुझे कुछ सुख नहीं मिला था। सब कुछ मिल गया था लेकिन सुख नहीं मिल रहा था। मैंने कीर्तन सुना तो मुझे लगा कुछ दिव्य। अब बाबा जी की सेवा की तो बहुत पुण्य मिला, कृपा मिली। वो बीएचयू वापस आया थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, तो भक्तों का समय मिला, भक्ति का ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से महात्माओं की सेवा करने से पुण्य मिलता है, भगवान की भक्ति का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण भी क्या करते थे, अपने घर में वैष्णवों को रखते थे। ये बहुत बड़ा गुण है, अपने घर में क्या करना चाहिए, भक्तों को सर रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अतिथि का सेवा करनी चाहिए। सेवा से आपको फल मिलता है। आजकल तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, ये राक्षस प्रवृत्ति। तो केवल अपने फायदे के लिए आदमी सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन पहले जमाने में तो लोग अनजाने लोग की सेवा करते थे, उसके कारण ब्राह्मण को कितना पुण्य मिलेगा। इसके कारण पांडव लोग रह रहे, और देखिए क्या फायदा मिलेगा अभी नहीं, हम लोग देखेंगे कैसे। क्योंकि इसने वैष्णवों को अपने घर में रखा है, फायदा क्या मिलेगा इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज चूंकि समय हो गया है, लेकिन देखें कैसे जो वैष्णव की सेवा करते हैं, अभी उनके प्राण जो जाने वाले हो गए, अभी आज प्राण जाएंगे उनके वो बचा दिए जाएंगे। कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कैसे जब आप पुण्य करते हो तो पुण्य आपकी रक्षा कर लेता है बड़े महा महा कष्ट से। इसलिए गोविंद का नाम लेना चाहिए। आप जो नाम कीर्तन कर रहे हो ना, ये आपको महा महा अजामिल को यम दूतों से बचा लिया इस भगवान के नाम से। इसीलिए भगवत भक्ति भगवान गीता में बताते हैं, नेहाभिको नासो अस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमपि पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयम्। ये थोड़ा भी आप जो भक्ति करते हैं, हमारे भक्तों ने एक ड्रामा बनाया अभी आप लोग को 15 मिनट का, आप लोग उसे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाके। उसमें उन्होंने दिखाया कैसे एक आदमी था, लड़का था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर देने जा रहा था, लेकिन फ्लावर बेचारा गिर गया कीचड़ में, तो उसने भगवान को अर्पित कर दिया, एकदम पुष्पम गोविंदम समर्पित। सड़े हुए फ्लावर जिसको गर्लफ्रेंड को नहीं दे सकता, भगवान को अर्पित कर दिया, उसके कारण जो मरा। तो यमराज ने बोला तो तुम नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, मेरा स्वर्ग जाने में किया क्या मैंने, तुमने एक बार गलती से भगवान को सड़ा फूल अर्पित, 10 मिनट का स्वर्ग मिलेगा इसके लिए, और बाकी तुमको बहुत 10,000 साल का दर है। क्या चाहिए पहले? उसने बोला क्या स्वर्ग में कोई गार्डन वार्डन है क्या? बोले हाँ नंदन गार्डन, मतलब वहाँ फूल नहीं मिलता। हाँ, तो गया 10 मिनट में, पहले स्वर्ग दे दीजिए। जाए काटने लगा और चिल्लाने लगा, ओम एकदम पुष्पम गोविंदम समर्पित, हम एकदम पुष्पम गोविंदम समर्पित, इतना पुष्प समर्पित कर दिया। फिर उसको फिर भगवत धाम चला गया। भक्ति जो थोड़ी सी भी करने से महापाप से बचा सके, लॉकडाउन है जितना भक्ति कर सके कर लीजिए, कल कर ना पाए कर पाए। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे भक्तों को सुंदर प्रश्न उत्तर भी लिख रहे हैं। 26 तारीख को जो कॉन्टेस्ट हुआ था, आप लोग बहुत लोग लिख के भेज रहे हैं, हम भक्तों ने बताया। तो 26 तारीख को सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे 3 लोग को। हम लोग आप लोग को बाद में लॉकडाउन होने के बाद कुछ प्राइज भेजेंगे। तो 3 लोग को फर्स्ट सबसे टॉप मार्क्स आया था, सरिका रुचि कंचन। और 27 तारीख को 3 लोग को जिनको सबसे बढ़िया मार्क्स आए हैं, शिव और शंभू जी एंड सुमन वंश। तो
तो हम सब भक्तों का धन्यवाद देना चाहते हैं। आप बहुत अलग आंसर भेज रहे हैं, आप लोग भेजिए, जो लोग अच्छा करेंगे उनको कुछ स्पेशल भगवान का गिफ्ट बाद में भेजा जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे इन ब्राह्मणों ने अपने घर में वैष्णवों को शरण दी, उनको कैसे भगवान स्पेशल। कृष्ण के उपदेश लोगों को सुनाया जाएगा, हर किसी को पाठ गीता का पढ़ाया जाएगा। जानवर से भी तो नीचे गिर गया है आदमी, आदमी को आदमी जैसा बनाया जाएगा। पाप अब धुलते नहीं गंगा में भी जाकर यहाँ, इसलिए गीता के अमृत में नहाया जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वीते आछे जति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। भारत भूमि ते हेलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परो उपकार। वी गेट गेट एंड फॉरगेट एंड कृष्णा गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।